Noise का मतलब कहूँ तो शोर किसी भी किस्म का वो शोर जो आपके आ, आपको अच्छा ना लग रहा हो आपको कर रहा हो ठीक है यानी कि वो आवाज जो आपको अच्छी नहीं लग रही और और uh, आपकी डिस्टर्ब कर रही है उसको हम लोग कहते हैं कि uh, वो नॉइज है ठीक है शोर है नॉर्मल साउंड बिकम्स अनडिजायरेबल व्हेन इट डिस्टर्ब्स और नॉर्मल एक्टिविटीज वर्किंग डूरिंग कन्वर्सेशन यानी कि नॉर्मली अगर मैं ये कहूँ की डिस्टर्बेंस का मतलब ये है कि आपकी नॉर्मल एक्टिविटीज को डिस्टर्ब करना आप काम कर रहे हैं कोई शोर है आप डिस्टर्ब हो रहे हैं ठीक है आपकी कंसनट्रेशन खत्म हो रही है आप सो रहे हैं आपको नींद में डिस्टर्बेंस हो रही है ठीक है शोर हो रहा है और कन्वर्सेशन के दर्मान आपको समझ नहीं आ रही अगला क्या बात कर रहा है आप क्या कहना चाह रहे हैं आपका दिमाग जो है आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है उस शोर की तरफ तो जो ये आवाज़ें या शोर जो है उसको हम नॉइज़ कहते हैं ठीक है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी एज अ मेजर थ्रेट टू द रिकनाइजर वेलबींग के मुताबिक जो ये नॉइज़ है ये सबसे बड़ा मेजर uh, जो है वो थ्रेट है uh, इंसान की uh, जिंदगी के लिए दे आर डिफरेंट टाइप्स एक्सटर्नल इंटरनल क्या होता है इंटरनल क्या होता है एक्सटर्नल नॉइज होता है जो आपके नॉइज uh, बाहर से जो नॉइज एक्सटर्नल नॉइज होती है यानी कि uh, एक होता है कि आप बात कर रहे हैं आप अपनी बात पहुंचा रहे हैं या आप तक कोई बात पहुंच रही है ठीक है जिसमें डिस्टरबेंस ना हो लेट से के एक आपका होता है कम्युनिकेशन लेवल आप बातचीत कर रहे हैं एक ट्रांसमीटर होता है जिससे आप बात पहुंचा रहे हैं ठीक है थीके? और एक होता है रिसीवर की आपके पास बात पहुंच रही है ये तीन चीज होती हैं जो कोई भी बात पहुंचाने में मदद देती है ठीक है अगर ये तीन चीजें इन तीन चीजों के अंदर कोई डिस्टर्बेंस कॉज होती है तो उसको हम कहते हैं इंटरनल नॉइज ठीक है लेकिन अगर इन तीन चीजों के अंदर कोई डिस्टर्बेंस कॉज ना हो तो उसको हम एक्सटर्नल नॉइज कहते हैं लेट सपोज आप के आपके पास फोन है आप फोन पे बात कर रहे हैं ठीक है आपने आप कम्युनिकेट कर रहे हैं दो बंदों के एक चैनल के कम्युनिकेट कर कम्युनिकेट कर रहे हैं दो बंदे आपस में ट्रांसमीटर uh, के थ्रू आप आवाज वहां तक पहुंचा रहे हैं और वहां से जो है आप रिसीव कर रहे हैं आवाज तो ये एक एक, लिंक है है ठीक अगर इन, इस लिंक के अंदर कोई डिस्टरबेंस होगी नॉइज होगी तो उसको हम इंटरनल नॉइज कहेंगे और अगर इस लिंक से अंदर नहीं बल्कि इस लिंक से बाहर कोई भी डिस्टर्बेंस होगी उसको हम एक्सटर्नल नॉइस कहेंगे फॉर एग्जाम्पल एटमोसफेयरिक नॉइज एटमोसफेयरिक नॉइज कौन सा होता है जैसे कि जो आपके एटमोसफेयर के थ्रू जो नॉइज क्रिएट होती है जैसे थंडर स्टॉम होना तूफान आना उससे जो आवाज आती है शोर आता है लाइटनिंग होना ये जो बिजली कड़कती है इससे जो आवाज जो है वो शोर पैदा होता है और उसके थ्रू जो है वो सिग्नल में डिस्टर्बशंस होती हैं तो उसको हम एटमोसफेरिक नॉइज कहते हैं फिर है एक्स्ट्रा टेरिस्टोरियल नॉइज इसमें जो है इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा टेरिटोरियल नॉइज वो होती है इसमें दो तरह के न, न, होती हैं एक होती है आपकी कॉस्मिक नॉइज होता है और एक होता है आ, सोलर नॉइज एक्सटर्नल एक्स्ट्रा टेरिटेरियल सॉरी एक्स्ट्रा टेरिस्टेरियल नॉइज में क्या होता है कि आउट ऑफ द अर्थ जो नॉइज प्रोड्यूस हो रही होती है उसको हम एक्स्ट्रा टेरिस्टेरियल नॉइज कहते हैं एक होता है सोलर नॉइज सोलर नॉइज में होता है जो आपके सन के थ्रू जो भी आ, क्योंकि आ, सन है बहुत बड़ा आ, जो है वो एक प्लेनेट नहीं समझ ले सन है बहुत बड़ा सूरज उसका एक एरिया होता है तो वो क्या करता है कि उसके जो भी अंदर प्रोसीजर्स हो रहे होते हैं तो उसकी वजह से जो आवाज़ या शोर आ, जो है वो आप तक पहुंच रही होती है अर्थ तक उसको हम सोलर नॉइज़ कहते हैं ठीक है एक होती है रेज आपके कायनात में जितने भी गलेक्सीज हैं ठीक है तो जि, जितने भी गलेक्सीज हैं या स्टार्स हैं उनकी वजह से जो शोर होता है नॉइज होती है वो हमारे पास कॉस्मिक रेज होती है ठीक है ये इस तरह से आप जनरल नॉइज नॉइज कह लें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल होती है है जो जो अर्थ के बाहर जो भी क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से उसको हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइज कहते हैं इंडस्ट्रियल नॉइज जो आपके इंडस्ट्रीज के थ्रू जो है शोर आपकी आवाज जो है बाहर आती है इंडस्ट्रियल नॉइज जैसे मशीन हो गई बहुत बड़ी बड़ी ठीक है उसकी वजह से फिर मैन मेड नॉइज है जो आपने खुद से जो चीजें बनाई हुई हैं उसकी वजह से उन मशीन्स की वजह से जो भी शोर निकलता है शोर होता है जो आपको अच्छा नहीं लगता उसको हम मैन मेड नॉइज कहते हैं अब है इंटरनल नॉइज इंटरनल नॉइज में आता है थर्मल नॉइज शॉर्ट नॉइज ट्रांसिट टाइम नॉइज और मलिशियस uh, uh, जो है ठीक uh, है थर्मल नॉइज़ में क्या होता है ये आपका जो मैंने अभी प्रोसीजर बताया ट्रांसमीटर रिसीवर और कम्युनिकेशन चैनल इसके बीच में जो भी डिस्टरबेंस uh, होती है नॉइज़ क्रिएट होती है उसको इंटरनल नॉइज़ कहते हैं ठीक है अब थर्मल नॉइज़ क्या होता है थर्मल नॉइज होता है कि आपने uh, जो uh, ये थोड़ा सा फिजिक्स रिलेटेड है मैं इसको जनरल लफ्स में ये कहूंगी कि जो इलेक्ट्रॉन्स या जो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर जो या होल्स इसके अंदर जो घूम रहे होते हैं या मूव कर रहे होते हैं ठीक है किसकी वजह से थर्मल की थर्मल यानी कि हीट की वजह से हीट की वजह से जब इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट होती है उसकी वजह से एक नॉइज प्रोड्यूस होती है उसको हम लोग कहते हैं थर्मल नॉइज ठीक है उसके बाद है आपके पास शॉर्ट नॉइज शॉर्ट नॉइज जो है उसमें ये है एक जैसे सेमी कंडक्टर होता है सेमी कंडक्टर एक होता है कंडक्टर इंडक्टर और फिर होता है सेमी कंडक्टर तो सेमी कंडक्टर जो है वो इंडक्टर और कंडक्टर के बीच का होता है ठीक है तो उसके अंदर जो है सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं रैंडम मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ठीक है तो उसकी वजह से आपके पास डिफरेंट बैरियर्स बनते हैं ठीक है उसी के धावी कंडक्टर के अंदर क्योंकि कंडक्टर इंडक्टर से कंडक्टर इंडक्टर तब पीएन जंक्शन होता है, है हमारे पास तो पीएन जंक्शन का एक दरमियान में बैरियर बनता है एक रुकावट बनती है ठीक है उसकी वजह से जब भी आ, उसको पास आउट करता है या इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव करते हैं उस बैरियर से तो करंट के अंदर वेरिएशन आती है चेंज आती है, तो वो जो वेरिएशन है उसको हम शॉर्ट नॉइज कहते हैं ठीक है फिर टाइम यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को जब किसी भी जो है वो आ, 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 उसमें आ, आपके आ, एंटर होता है किसी भी सर्किट के अंदर तो जब इलेक्ट्रॉन एंटर होता है और जब आ, एंटर होके जब निकलता है जितना टाइम उसको जब वो एंटर होके जब वो निकलता है तो जो टाइम होता है उस टाइम ट्रांजिट टाइम ट्रांजिट टाइम मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक निकलने तक के टाइम तक को उसको हम ट्रांजिट टाइम कहते हैं उस नॉइज को वो नॉइज जब क्रिएट होती है उस इलेक्ट्रॉन की वजह से तो उसको हम ट्रांजिट टाइम नॉइज कहते हैं फिर एक और थी मिशेलेनियस नॉइज वो भी आपके इंटरनल इसी के अंदर ही होती है जो आपके जो है वो सिग्नल सर्किट को जो है वो डिस्टॉर्ट कर रही होती है इसके बाद हमारे पास नॉइज पोल्यूशन नॉइज पोल्यूशन हमारे पास जनरल वर्ड्स में कहूँ तो लॉट ऑफ नॉइज इनवाइट जब आपके इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारा शोर हो तो उसको हम नॉइस पोल्यूशन कहते हैं ठीक है um, उसके बाद है सोर्सेस ऑफ नॉइज पोल्यूशन देयर इज फोर टाइप्स ऑफ सोर्सेस जिसमें हमारे पास हाउस होल्ड सोर्सेस हैं सोशल इवेंट्स हैं कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज एंड ट्रांसपोर्टेशन सोर्सेस ऑफ नॉइज पोल्यूशन का मतलब कि कौन-कौन से ऐसे सोर्सेस हैं जहां से नॉइज जो है वो प्रोड्यूस uh, uh, होती है नॉइज पोल्यूशन हाउस होल्ड सोर्सेस जैसे कि हमारे पास गैजेट्स होते हैं फूड मिक्सर या आपके घर में ग्राइंडर होता है वैक्यूम क्लीनर होता है जितने भी छोटी छोटी घरेलू घर, मशीनें होती हैं वॉशिंग मशीन हो गया ड्रायर हो गया कूलर हो गया तो एयर कंडीशन जितने भी हैं ये नॉइज जो है वो क्रिएट करते हैं ठीक है जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही आ, जो है वो आ, बुरी है और ये इंजरस है ठीक है अदर इंक्लूड्स लाउड स्पीकर आप घरों में जो है लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं फिर टी हो गया आई हो गया एयरफोन्स होंगे इनकी वजह से जो है ये क्या क्रिएट करते हैं नॉइज पोल्यूशन क्रिएट करते हैं एंड एग्जाम्पल बी बाकिंग ऑल द नाइट जैसे आपके बाहर मोहल्ले में या बाहर कहीं भी अगर कोई कुत्ता भोंक रहा होता है और मुसलसल रात को भोंकर रा डिस्टर्बेंस होता तो ये एक, एक है किसी भी इंसान के लिए जो जिसको सोना है जिसको एक खामोशी चाहिए होती है तो ये हाउस होल्ड सोर्सेज के अंदर आते हैं ठीक है जैसे की ये तस्वीरें कुछ बनी हुई है ये गैजेट हैं आपके पास ये आपके पास वैक्यूम क्लीनर हो गया रेडियो हो गया और इस तरह से ये भी कोई गैजेट ही है अच्छा इसके बाद हाँ, एक जो है नीचे अगर आप देखें तो वो नजर आ रहा है कि एक जो है वो कुत्ता जो है वो भौंक रहा है ठीक है उसके बाद हाउस होल्ड सोर्सेस के बाद अब हम जाएंगे आ, हाउस होल्ड सोर्सेज के बाद फिर ये एक जो है ये जिस तरह से लाउड स्पीकर चल रहा है आपके कान को इफेक्ट कर रहा है उसके बाद कुछ इंस्ट्रोमेंटेशन हैं जो जो है आपको उस वक्त अच्छी नहीं लग रही होती हैं सोशल इवेंट्स में आता है कि जैसे हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता लेकिन जो है नॉन मुस्लिम्स के लिए कह लें जब हम लोग अजाने देते हैं तो नॉन मुस्लिम्स को इरिटेट करती हैं अकॉर्डिंग टू नॉन मुस्लिम्स ठीक है जैसे बहुत सारे अगर आप हिंदू कल्चर में देखें तो हिंदुओं में क्या होता है कि वो उनका कोई पूजा पूरी चल रही है उसकी जहाँ पे शोर होता है ठीक है बहुत सारे लोग जमाए और शोर हो रहे हैं तो वो उनका कोई आम, कोई ड्रम ड्रम छोटी चो छोटी चीजें जो है वो बजा रहे थे जिसका से एक शोर हो रहा होता है ठीक है डिस्कोस जहाँ पे जहां पे ये क्लब्स वगैरह जिसको हम कहते हैं वहां पे बड़े बड़े जो है स्पीकर लगे होते हैं तो वहा मुसल शोर होता है पार्टीज में जितने भी सोशल इवेंट्स हैं जहाँ सोशल इवेंट्स का मतलब जहाँ पे घरेलू या फिर जहा पे, पे बहुत सारे लोग मिल एक इवेंट कर रहे होते हैं जैसे आपके इलाकों में किसी भी आपके साथ वाले घर में या uh, मोहल्ले में शादी होगी तो जाहिर सी बात है उन्होंने रात को लगाने ऊंची चे गए तो सबको डिस्टर्बेंस होगी इन मैनी मार्केट एरिया अच्छा uh, जो आपके अ uh, बाजार होते हैं वहां पे बड़े बड़े लाउड मतलब उन्होंने अपने अपने दुकानों में छोटे छोटे लाउड स्पीकर लगा रखे होते हैं कुछ आपने देखी होंगी एग्जाम्पल्स तो वो लाउड स्पीकर जो है वो इरिटेट कर होते हैं बाकी यानी कि जो दूसरा कोई बात करना चाह रहा है Uh, तो वो उसको एक डिस्ट्रक्शन होती है ठीक है अदर शाउट आउट ऑफर्स एंड ट्राई टू टू गेट कस्टमर्स बाय गुड्स अब उनका ऊंचा लाउड स्पीकर यूज करने का मकसद ये होता है कि हर हर कोई जो है उनकी तरफ अट्रैक्ट हो और वो उनकी बात को सुने तो इस वह जो ऊंचा बोल रहा होगा तो हर किसी का दिमाग जो है उसकी बात की तरफ जाएगा ठीक है तो ये इरीटेट करता है अब कोई नहीं सुनना चाह रहा उसकी बात लेकिन उसकी बात सुनने पर मजबूर है

Uh, इसके बाद सोशल इवेंट्स में कुछ एग्जाम्पल होगी ये देखें ये ये पहली जो पिक्चर है है आपको uh, और गिग्स की बता रहा अब ये कोई बाहर जो है वो कोई जल से टाइप अगर कोई चीज हो तब भी आपको जो है वो प्रॉब्लम होगी अच्छा फिर यहाँ पे कोई इवेंट चल रहा है सोशल इवेंट सॉरी मजहबी कोई इवेंट चल रहा है इनका फिर यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा क्राउड जमा है लाउड स्पीकर है एक तरह का जलसा दिखा रहे हैं तो ये भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है noise, इनके आपके हेल्थ को कमर्शियल इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज कमर्शियल एक तो ये कि जहां पे आप रह रहे हैं जहां पे आप जिस जगह पे गए हुए हैं अटेंड करने कोई भी चीज और वहां पे लाउड स्पीकर लगे हुए हैं ये मस्ता नहीं है आप कहीं काम कर रहे हैं आप खुद वो काम करें तो कोई मसला नहीं लेकिन जो वहाँ के इर्द गिर्द के लोग हैं उनको बड़ा मसला होता है और ये नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करता है ठीक है अब कमर्शियल इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में क्या आ जाता है प्रिंटिंग जितने भी आपकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं इंडस्ट्रीज के अंदर जितने भी आपकी मशीनरीज हैं कंस्ट्रक्शन एरियाज हैं कमर्शियल एरियाज हैं तो उनमें जहाँ नॉइज पोलूशन क्रिएट हो रही हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कमर्शियल इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज ठीक है प्रिंटिंग प्रेसिस हो गए जहाँ प्रिंट हो रहे होते हैं वहां पे शोर होता है मशीनों का जो अच्छा नहीं लग रहा होता आपके कानों को फिर मैनुफेक्चरिंग हैं है है, है है, तो वो भी आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है बिल्डिंग्स बन रही है वहां पे मुख्य मशीन यूज हो रही है तो वो भी जो है नॉइस पोलूशन क्रिएट करता है इन मेनी इंडस्ट्री इन मेनी इंडस्ट्रीज इट इज रिक्वायर्ड दैट

उन उनको कहा जाता है कि वो अपने कानों में एयर प्लग्स पहने ताकि आवाज जो जो है जो है हैवी है उनसे बचा जा सके कम से कम आवाज आपको पहुंचे ठीक है जैसे हम लोग जो है वो एयरपोर्ट तरह से एक जो है वो का मिलता है ताकि आप लोग जो है वो आवाज आप तक जो है वो minimum से minimum पहुंचे ठीक uh, है पीपल हु वर्क विद्युपेंट्स टू वेयर गैजेट्स यानी कि जो लोग एरियाज में काम करते हैं उनके लिए जरूरी है कि वो ऐसे गैजेट्स ऐसी चीजें पहने अपने कानों के ताकि उनको आवाज जो है वो ना आए प्रूफ यानी आवाज ना आए अः ये कुछ एग्जांपल्स हैं तस्वीरें हैं जैसे कि ये आपको जो है वो इंडस्ट्रियल जोन दिखा रहे है जहां पे काम हो रहे हैं ये बंदा जो मशीन जो है वो कार में फैमे है उसके साथ जो है वर्कआउट कर रहा है उसकी जैसे आवाज पैदा हो रही है फिर ये एक इंडस्ट्रियल जोन है कमर्शियल जोन इस तरह के जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वो आपके जो है वो नॉइस uh, पोल्यूशन में अपना हिस्सा जरूर डालते हैं ट्रांसपोर्टेशन में एरोप्लेन्स हो गया जो आपके घरों के ऊपर कोई जहाज गुजरे तो वो बहुत ही ज्यादा uh, यानी कि आपको अपने साथ वाले की आवाज तक नहीं आ रही उसकी इतनी आवाज़ होती है

रोड्स uh, पे जो न, आ, जो इन, आपके व्हीकल्स चल रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन का है उनकी अपनी आवाजें होती है तो जितनी भी आपकी ट्रांसपोर्टेशन है उनकी आ, वो भी अपना जो है पूरा रोल प्ले कर रहे हैं प्ले कर रहे हैं नॉइज पोल्यूशन के अंदर ठीक है जैसे एग्जाम्पल एरोप्लेन हो गई ट्रक हो गया आपकी शिप हो गया शिप में भी आवाज है, है आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट है सॉरी कोई भी ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल है तो वो आवाज प्रोड्यूस करता है नॉइज नॉइज लेवल्स लेवल्स ये डिफरेंट हैं जो के जिसकी जो जो जिसकी हम लोग है वो बेयर कर सकते हैं ठीक है लग्जरी बस जो है उसका जो नॉइज लेवल होता है वो सेवन सेवन डेसीबल होता है नॉइज को मैयर करने के लिए जो यूनिट होता है वो हम डेसीबल यूज करते हैं डीबी जिसको हम कहते हैं तो सेवनटी जो है डी आप लग्जरी बस का जो है नॉइज लेवल अ कर सकते हैं फिर स्मॉल पैसेंजर कार है 79 मिनिएचर मिनिएचर पैसेंजर कार है 84 है स्पोर्ट्स कार 91 है मोटरसाइकल्स के चार स्टॉक्स होते हैं वो 94 है मोटरसाइकल्स के सिर्फ दो स्टॉक्स होते हैं उसके 80 डेसिबल आप लोग नॉइस जो लेवल है वो बेयर कर सकते हैं ठीक है इफेक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन

बहुत ही कमजोर हो जाएंगे फिर क्रॉनिक एक्सपोय होता है वो आपका कम होता जाएगा आप कम से कम सुनना आप बल्कि आपको आवाज बहुत कम आया करेगी जैसे कि कुछ लोगों को बहुत ऊंचा बोलने की आदत होती है वो क्यों होती है क्योंकि उनको बहुत ऊंचा सुनने की आदत होती है कोई अगर उनसे आहिस्ता आवाज में बात करे तो उनको आवाज ही नहीं आती है तो इसका मतलब ये कि उनकी जो हेयरिंग एबिलिटी है वो आज कम होने लग जाती है

डिस्टर्बेंस होगी तो उसको अपना शिकार नहीं मिल सकेगा जिसकी वजह से उसको जो है वो ऑब्वियस जब शिकार नहीं मिलेगा तो उसका जो है वो अर... बहुत ही ज्यादा इंक्रीमेंट हो जाएगा कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस तो हो चांसेसारे डिस्टर्बेंस होगी उसके में, तो वो, अपना, जो है, वो शिकार ढूंढ सकेगा जो है, जितने भी जानवर हैं नॉइस पोल्यूशन की वजह से अपने माइंड पे कंट्रोल खत्म कर देते हैं खो देते हैं क्रिएट्स प्रॉब्लम इन यूज ऑफ साउंड ठीक है रिप्रोडक्शन uh, सिस्टम्स uh, में या के अंदर नेविगेशन नेविगेशन यानी कि कांटेक्ट सिस्टम्स के अंदर इन्होंने का जानवर ने किसी दूसरे जानवर के साथ कांटेक्ट करना हो तो इन तरह की कांटेक्ट्स uh, में या सिस्टम्स में क्या होता है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं इस तरह के साउंड्स ये शोर शराबा और अगर शोर शराबा हो तो वो जानवर बहुत ज्यादा uh, खतरनाक और अटैकिंग किस्म के हो जाते हैं इनके खतरनाक भी होते हैं और uh, बहुत अटैकिंग किस्म के होते हैं लोगों को ऊपर अटैक करना उनके लिए कोई मसला नहीं होता है नॉइस पोल्यूशन फॉर शिप इंजन एंड सोनार सिस्टम मेक इट डिफिकल्ट फॉर लाइक वेल्स डॉल्फिन्स

वो क्या करेंगे वो जो पानी में रहने वाले जानवर हैं उनके लिए मुश्किल बना देंगे उनको वहां रहना ठीक है एक्सेसिव नॉइज हैज द एबिलिटी टू रेज एन एनिमल्स एनिमल्स स्पीड एंड इवन हार्म्स ऑन मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा शोर जो है वो क्या करता है कि एनिमल्स जानवरों के जो हार्ट बीट है उसको मजीद स्पीड कर देता है और जानवरों के जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको जो है वो नुकसान पहुंचाता है मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि

सुनकर जो है वो अपने इकोसिस्टम के थ्रू जो है वो अः शिकार को ढूंढते हैं जब जाहिर सी बात है जब नॉइज होगी तो वो उनके लिए बहुत ही बड़ा नुकसानदाह होगा कि वो अपना शिकार नहीं ढूंढ सकेंगे बिकॉज द द द द नॉइज इज ब्रेकिंग एंड दैट कुड लीड टू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ इन अबाउट अब इस नॉइज की वजह से जो जमीन की कुछ रुकावटें हैं वो टूट रही हैं ठीक है थीके? उस जब रुकावटें टूटेंगी तो जाहिर सी बात है आपकी दुनिया जो है वो दो से तीन साल में डिस्ट्रक्ट हो जाएगी डिस्ट्रक्शन की तबाह हो जाएगी

सम so प्लांट्स की उस पे इफेक्ट करता है ठीक है तो नॉइज पोल्यूशन जो है वो poor क्वालिटी जो है क्रॉप्स की वो कॉज करता है उसके बाद द प्रिवेंशन ऑफ द नॉइज पोल्यूशन आप किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं इस नॉइज पोल्यूशन के साथ आपको कौन-कौन से اقدامات करने चाहिए एक तो आपने अननेसेसरी जो है वो हॉर्न्स uh, नहीं बजाने गाड़ियों के ठीक है जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गया आपके स्कूल कॉलेज कैंपस हो गए वहां पे जो है वो क्योंकि साइलेंस जोन होता है वहां पे खामोशी बहुत ज्यादा जरूरी होती है मरीजों के लिए भी और बच्चों के लिए भी ताकि वो कंसंट्रेट कर सके अपनी पढ़ाई की तरफ ठीक है और वहां पे जो है वो हॉर्न नहीं करना मोटर्स हो गए मशीन प्रोड्यूस लाउड नॉइस विच नॉट में प्रॉपरली ठीक है ये ज्यादा मशीनें शोर तब करती हैं जब उनको आप मेंटेन नहीं रखते ठीक है बस उससे उनसे काम लेना जानते हैं लेकिन उनको आप उनकी केयर नहीं करते तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको मशीनों को जो है उनकी केयर कर उनकी सफाई सुथाई रखें ताकि उनके अंदर से आवाज प्रोड्यूस ना हो तो प्रॉपर मेंटेनेंस शुड बी आउट फॉर द बेटर परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी और उनकी वो लॉन्ग लास्टिंग भी होंगे और ऑब्वियसली उनमें से श्योर भी नहीं होगा टर्न ऑफ द इंजन ऑफ योर कार और मोटर बाइक वैन यू आर नॉट यूजिंग इट जब आप कार या मोटरबाइक को यूज नहीं करें आप एक जगह खड़े हैं तो उसको बंद कर दें बस ऑन कर खड़े पोल्यूशन जाहिर सी बात है अगर आप इसको स्टॉप करेंगे तो ये एयर पोल्यूशन के अंदर भी क्योंकि जाहिर सी बात है वो धुएं निकल रहे होते हैं तो वो उसके अंदर भी कमी आती है इफ यू आर वर्किंग इन एन नॉइजेस अगर आप ऐसे एरिया में काम करें जहां बहुत ज्यादा ऊंची आवाजें हैं यू, आपको जो है वो एयर प्लग्स यूज करने चाहिए उस लीव ये हैं। जैसे कि पत्ते होते हैं घर के तो उसके लिए एक मशीन जो है वो यूज की जाती है ताकि उन पत्तों को जो है चुना जा सके तो आप बेहतर है कि अपने हाथ से इस पत्तों को चुन लें आप ब्लोअर एक किस्म का यूज करें और पत्तों को

खेतों में जो वो होते हैं के जो जो बड़े-बड़े तो उसको उसको आप 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 हाथ से करने रहते थे ना करें। है ऊंची ऊंची आवाज में रेडियो और कंप्यूटर स्पीकर्स को यूज ना करें। करेंट्रेट ऑफ अगर आपने सुनना है तो अपनी हद हाँ तक ही वो सुने ना कि आप दूसरों को सुनाए ठीक है ट्रेन योर टॉक नॉट टू और आप लोग जो है जो आपके इर्द गिर्द के लोगों मोहल्लों में या घरों में कुछ लोगों ने कुत्ते पाले होते हैं तो उसको ट्रेन करें कि वो ज्यादा ना भोंके ठीक है डू नॉइजी थिंग्स ओवर ऑन रबर मैट टू रिड्यूज नॉइज आपने अगर बर्तन धोने आपने कोई हैमरिंग कोई हथोड़ा लगाने तो बेहतर है कि उसके नीचे पहले एक रबर मैट रखें ताकि नॉइज प्रोड्यूस ना हो ठीक है दैट्स इट फॉर टुडे थैंक यू